वेलकम बैक टू एग्जामिनी दिवा। आपके अपने एग्जामिनी दिवा पे मोस्ट वेलकम है। अभी पता ही कि कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ही भयानक स्थिति हो गया है हमारे देश में। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से, जहाँ भी हो आप लोग सेफ रहें, खुद को सेफ रखें, घर वालों को सेफ रखें। एक एक अगर इंसान खुद को सेफ रखोगे तो हम लोग सब सेफ रहेंगे। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकले, ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। ये जो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर बिल्कुल ना निकले और ना घर वालों को निकलने दे। बिकॉज अभी का जो सिचुएशन देख रही हो, अभी का जो सिनेरियो देख रही हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। मतलब ऐसे तड़पते, ऐसे मौत देखना, मतलब कि होता है ना, जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ उसके सामने ही अभी 2 दिन पहले देखी, मैं तो नहीं देखी, मेरी फ्रेंड देखी जब ड्यूटी जा रही थी, डेड बॉडी। रियली बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है। ऐसे एक नहीं हो रहा है, ऐसे तो मैं छोटी जगह पे रहती हूँ, सामने देख ली तो डेली न्यूज़ सुनती हूँ, कोई रिलेटिव्स, कोई दूर के किसी के, कोई मतलब ऐसे करके। तो आप लोग अच्छे से रहिए, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग घर पर रहें। और अभी जो वैक्सीनेशन का 18 ईयर्स, जिसका भी 18 ईयर्स से अबव है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट होने वाला है 1 मई से। तो रजिस्ट्रेशन करा लें और वैक्सीनेशन ज़रूर लें। और वैक्सीनेशन से हम लोग एटलीस्ट, ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद हम लोगों को मतलब कि कोरोना वायरस हम लोगों पर अटैक नहीं कर सकती है, अटैक तो कर सकती है, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उनसे हम लोग लड़ पाएंगे और ख़ुद को इस सिचुएशन से निकाल पाएंगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराएं और अभी निकले। और लॉकडाउन जहाँ पे भी चल रही है वो सब एकदम फॉलो करें। लॉकडाउन जहाँ पे नहीं भी है, खुद से खुद को लॉकडाउन लगाएं, खुद के घरों में लॉकडाउन लगाएं। बिकॉज ऐसा सिनारियो देख के इतना ज़्यादा मतलब कि बुरी हालत हो रखी है, मतलब इतना ज़्यादा लोग डेथ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है अच्छे से, सब चीज़ बेड नहीं मिल रहा है। सोचिए ना, ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग खुद को सेफ रख लेंगे और सबको अच्छे से रहे, यही काफ़ी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। और जिन जिनका ड्यूटी होगा उनको तो जाना ही पड़ेगा, तो वो लोग सेफ्टी से जाएं, अच्छे से जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, जहाँ पे भी बैठे वहाँ पे सैनिटाइज़र यूज़ करें, सैनिटाइज करें। हो सकता है कि ऑफिस या कहीं पे भी सैनिटाइज़र, वहाँ पे सैनिटाइज नहीं किया गया हो, तो पर्सनल खुद का सेफ्टी खुद से रखें। बिकॉज खुद का अगर सेफ्टी आप खुद के लिए नहीं रखते हैं, तो सोचिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले किन तकलीफ से गुजरेंगे, ये सोचिए और खुद का ख्याल रखिए। यहाँ तक कि मुझे भी डेली ड्यूटी जाना पड़ता है, जिस भी दिन ड्यूटी लगती है, तो मैं भी सेफ्टी से जाती हूँ, अच्छे से जाती हूँ, और ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, मतलब ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो सोचिए ना कि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह तक दूसरी जगह सामान कैसे जाएंगे, या दिन का जो भी ड्यूटी है, डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पेशेंट कैसे ठीक होंगे, जो भी बीमार पड़ रहे हैं कुछ भी। अगर पुलिस अपना काम नहीं करेंगी, अगर हम लोग लोको पायलट है, अगर हम लोग नहीं करते, मतलब दिन का जो ड्यूटी है वो तो, जो इम्पोर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा सबको। तो ड्यूटी तो मुझे भी करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिनारियो ख़राब नहीं है, यहाँ भी ऐसे लोको पायलट, मतलब लोको पायलट लोग, मतलब ऐसा सुना है कि बहुत ज़्यादा, मेरे लॉबी में तो नहीं हुआ है, लेकिन कई लॉबी में लोको पायलट का भी डेथ हो चुकी है। यहाँ तक कि बहुत सारे गुड्स गार्ड का भी डेथ हो चुका है, बहुत सारे अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो घर पे क्वारंटीन है, कोई हॉस्पिटल में है। तो ऐसा सिचुएशन फ्रेंड एक जगह का नहीं है, आप भी देख ही रहे होंगे, आपके आसपास, अगल बगल, मोहल्ला, पूरे देश का न्यूज़ सुन रहे होंगे। तो बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, सिचुएशन में खाना पीना पर ध्यान दें, अच्छा डाइट ले। और अगर किसी को कोरोना हुआ भी है, कोविड हुआ भी है, तो हिम्मत रखें और पॉजिटिविटी मन में रखें, ताकि उससे जल्दी से जल्दी भी बढ़ पाए। अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बिकॉज कई लोगों ने ये मैसेज किया, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट किया या मेल किया कि दीदी आप वीडियो बनाती हो। तो हम लोग खुद को मोटिवेट रखते हैं, बहुत मोटिवेट फील करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, जब कभी कभी टाइम ना मिले तो। हो सकता बीच बीच में नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। लेकिन किस टॉपिक पे बनाओ ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ इसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो की ज़रूरत है।
और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो कि दीदी वैकेंसीज कब आएगी असिस्टेंट लोको पायलट का, तो मैंने तो पहले बता दिया था 2021 लास्ट में या 2022 फर्स्ट में, लेकिन अभी जो कोरोना का ऐसा सिनारियो है वो देख के नहीं लग रहा है कि वैकेंसीज अभी 2021 लास्ट या 2022 फर्स्ट में आएगी 2022 के। अभी तो 2021-22 में वैकेंसीज असिस्टेंट लोको पायलट का नहीं आएगी, लेकिन तो भी जिनका भी ड्रीम्स ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट है तो वैकेंसीज में भी अभी नहीं आए, लेकिन जैसे ही इस सिचुएशन से हम लोग निकलेंगे तो उसके बाद तो वैकेंसीज जरूर आएंगे, बिकॉज बिना वैकेंसीज का आप ही सोचिए, काम तो नहीं चलेंगे ना, इंडियन रेलवे तो नहीं चलेंगे ना। तो इसलिए आप लोग मन में पॉजिटिव रखें और पढ़ाई करें, और जब तक असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज नहीं आते हैं तो दूसरे जॉब का तैयारी करें। इसकी भी एग्जाम सामने है, जैसे कि आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 दिया ही होगा, अगर CBT 2, जैसे इस सिचुएशन से हमारा देश हम लोग निकल जाते हैं, मे बी CBT 2 हो या फिर जो भी एग्जाम्स अभी पोस्टपोन किए गए वो सारे एग्जाम हो, लोग मन में पॉजिटिव रखें और उसके बावजूद भी पढ़ाई करें, बिकॉज क्या करोगे घर पे बैठ के, कभी ना कभी तो एग्जाम्स होंगे ना, तो तैयारी जारी रखें। और ऐसा नहीं कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज नहीं आएगी, आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा अब 2021 में आएंगी, ऐसा हो सकता है 2022 में आ जाए कभी भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई करते हैं। अभी ऐसा सिचुएशन में आप मतलब खुद ही देखिए अभी क्या कर सकते हैं, कुछ तो मतलब नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे या क्या आप लोग पढ़ाना मतलब चाहते कि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो सब कोई मिलके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हाँ यही ऐसा टॉपिक वीडियो बना दीजिए दीदी, ज़रूरत है, या फिर जो भी मतलब जैसा भी, तो मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आज का वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें दूँ या कुछ बताऊँ, बस इतना ही था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो वो मैं आज आप लोगों के सामने आके बताई। ऊपर से ही कोरोना का जो पैंडमिक सिचुएशन, इतना इतना वर्स्ट सिचुएशन चल रहा है, उनके बारे में थोड़ा अवेयर कराना था, ताकि आप लोग घर पे रहो, खुद का ख्याल रखो और घर वाले का ख्याल रखो। और डर तो हम उसे भी डर तो थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ठीक है, तो भी उसके बाद भी मतलब ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा, अगर कोई ड्यूटी नहीं करेंगे तो सोचिए ना फिर कैसे देश चलेगा, मतलब ड्यूटी आप सब कुछ बंद करके तो नहीं बैठ सकते हो, तो सब कुछ बंद करके कैसे बैठ जाओगे। तो ऐसा नहीं कि बुरा फील होता, प्राउड भी फील होता है कि चलिए इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं किसी तरह से, ऐसा नहीं बोलूंगी कि डायरेक्ट वैसे, लेकिन किसी ना किसी तरह से अपने देश का सेवा कर पा रही हूँ, ये सौभाग्य की ही बात है। इसके पास कुछ काम रहना या देश के लिए कुछ करना, अगर एक आप लोग कोई बुरा कमेंट भी जरूर करोगे, लेकिन एक साइड से देखा जाए तो असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट का जॉब जॉब नहीं है, एक टाइप का ड्यूटी है, एक टाइप का सेवा है। इसलिए इस जॉब में जब भी हम लोग जाते हैं ऐसा नहीं बोलते जॉब में, हमेशा बोलते कि ड्यूटी में जा रही हूँ। तो आप लोग हम लोगों को भी मोटिवेट करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।